स्टूडेंट्स, हम कोरोना वायरस के चलते छुट्टियों में घर में बैठे हुए हैं, स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते करते अगर हम थक जाते हैं तो खाली समय में हम कुछ ऐसे ताकतवर चीज़ें खाएं जिससे हम डाइजेशन प्रतिरोधक क्षमता से लड़ सके, अपने अंदरूनी ताकत को बढ़ा सके। आज बाज़ार में बनाना उपलब्ध है, केला को छील लेना है, मैंगो भी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि सीज़न है, पके आम को छील लेना है, थोड़ा सा बर्फ ले लेना है, शुगर मिल्क सबके घर में रहता ही है, संभव हो जितना मिल्क उतना ही में उपयोग करना है, काजू और बादाम जिसके घर है ठीक है, जिसके घर नहीं है ना सही। हम बनाएंगे बनाना शेक और मैंगो शेक। ये मैंगो को काट लेना है टुकड़ों टुकड़ों में, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में काट लेना है। ये छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। रखो, आम को इसमें डाल देना है। ये आटी है, इसको इसमें ले लेना है मिल्क में, और दूध भी डाल देना है, और इसको आटी को इसमें ऐसे मैश कर लेना है। कटे हुए आम, दूध डालने के बाद स्वाद अनुसार चीनी डाल देना है, स्वाद के अनुसार चीनी डाल देना है, थोड़ा सा कागजी बादाम डाल देना है जिसके घर में उपलब्ध है ठीक है, जिसके यहाँ नहीं है कोई बात नहीं, काजू डाल देना है और मिक्सर ग्राइंडर को चला देना है। तैयार हो जाए, थोड़ा सा बर्फ डाल देना है, 8-10 बर्फ डाल देना है और हल्का सा फिर चला देना है। मिल्कशेक तैयार, मिल्कशेक को बादाम और काजू से गार्निश कर देना है। ये मिल्कशेक आपका तैयार हो गया। बनाना शेक बनाएंगे। बनाना शेक के लिए केले को टुकड़े टुकड़े में काट लेना है इस तरीके से। बनाना और मैंगो दोनों ही बाजार में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाएगा, सीजन है, और दूध में डाल देना है इस तरीके से, कुछ कागजी बादाम, सभी को मिलाकर मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। स्वाद अनुसार चीनी, चला बनाना शेक तैयार हो जाए। उसमें भी बर्फ के टुकड़ों को डाल देना है थोड़ा सा, ताकि ये ठंडा हो जाए, पीने में गर्मियों में अच्छा लगेगा, और हल्का सा चला देना है। तैयार बनाना शेक तैयार हो गया, और इसे आप ग्लास में डाल सकते हैं। ऊपर से कागजी बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, देखने में खूबसूरत लगेगा और टेस्टी लगेगा। नमस्कार। मैंगो शेक और बनाना शेक तैयार है।